तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर, जो कि बहुत ही इजी स्टाइल में बनाएंगे और उसमें कोई भी मेहनत आपको ज़्यादा नहीं लगने वाली है, बहुत ही शॉर्टकट में बनने वाली है। और लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप बाहर रेस्टोरेंट जैसा मज़ा ले सकते हैं। जी पैकेट दो सारा बनाऊंगी, दो पैकेट 200 ग्राम 200 ग्राम यानी 400 ग्राम पनीर हो गया। आपके पास विनेगर होना चाहिए, विनेगर होना चाहिए, सोया सॉस होना चाहिए और चिली सॉस होना चाहिए एंड टोमेटो सॉस होना चाहिए जो कि है हमारे पास, शिमला मिर्च होना चाहिए, बस प्याज भी। और मैं भी हेल्प करने के लिए हूँ, ठीक है। हेल्प मैं क्या हेल्प करूँगी आपकी? हम भी हेल्प करोगे बताने में, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हम लोग नमक ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी तो होगा, ग्रेवी में होगा प्लस सॉस वगैरह में भी होता है, तो मिर्च तो डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग मिर्च को बहुत नहीं ज़्यादा होगा। और ये कॉर्नफ्लावर ले लिया है हमने, आप अगर चाहें तो मैदा भी इसमें मिला सकते हैं, मगर हमारे पास मैदा नहीं है तो हम इसमें बस अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो बाउल में निकालना चाहिए था ना? नहीं ठीक है, हाथ से करो। स्क्वायर में काट कर इसमें मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर मिला दिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम सॉस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फ्राई करते हैं। तो ये हमने अपने पैन पे तेल गरम करके इसमें हमने जो पनीर में मिक्सचर डाला था वो सब मिला कर इसमें हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। पनीर है ये, हमने ये पनीर है हमारा, सॉरी ये हमारा चिल्ली है, ये हमारा अनियन है जो कि क्यूब में है, ये हमारा फ्राइड पनीर है जिसे आप सॉस के साथ यूं भी खा सकते हैं, और ये हमारा गार्लिक है। और अब हम थोड़ा सा बाउल में पानी लेकर इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि हमारा जो सॉस बनेगा, ताकि जो हमारा सॉस बनेगा वो थिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मिक्स करते हैं, ज़्यादा है मुझे लग रहा है, नहीं कम है, और डालो, नहीं बहुत ही कुछ ज़्यादा है। ओके तो सबसे पहले हम अपना तेल को गरम करेंगे, उसके बाद डालेंगे लहसुन, स्लो फ्लेम में करेंगे ताकि आपका लहसुन जले नहीं। आई लव गार्लिक, मतलब हर चीज में गार्लिक की अगर महक या खुशबू आ जाए तो मजा ही आ जाती है, और चाइनीज में तो खास कर। अनियन डालेंगे, प्लीज बोलो पहले। अब इसमें हम अनियन अब इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। अमन अनियन के वो भी ऐड हो गए, तो भाई क्या कर रहे हो आप? अब इसमें हमने डाल दिया है अपना अनियन, सॉटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, वाह इसका कलर ही अलग आ जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, थोड़ा कम करेंगे क्योंकि पनीर में भी नमक है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, और ऐड करें
थोड़ा सा नहीं ऐसा ठीक है हाँ? ठीक है तो और आज कर दो बाद पैर पर गिर गया डालूंगा चिली को थोड़ा सा अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप मिर्च भी डाल सकते हो केचप भी डालना है केचप तो लाओ थोड़ा केचप अंदर है थोड़ा सा ना अजीनोमोटो भी डालना चाहूँगी जो कि जोया मना कर रही है बट अजीनोमोटो से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ज्यादा नहीं डालेंगे ज्यादा मुझे मीठा मीठा पसंद नहीं है ओके बाबू और इसके बाद अच्छा जब हम अपना स्लरी डालेंगे जो हमने अभी कॉर्नफ्लावर पानी में ऐड करके घोल बनाया था उसको हम पहले चला लेंगे फिर ही ऐड करेंगे क्योंकि नीचे ये कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है तो थोड़ा सा ही डालेंगे बस Are you getting the essence? Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया महक आ रही है. Okay, then we will add our paneer. Paneer. Now we need the कलर देख रहे हो ओ माशाल्लाह 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 बहुत ही प्यारा कलर आया और टेस्ट भी बहुत प्यारा है दो अली चखने जा रही है जल्दी चखिए बहुत जल रहा है अभी मेरा मतलब कुछ तो आया होगा अलग से अजीना मोटो एक अलग एसेंस देता है चाइनीज को तो वो बहुत ही मस्त होता है ऐसा नहीं कैसा बना है पहले खा के बताइए सच बताइए आप हमेशा कुछ बोलते ही नहीं है कोई कमी है नमक कम है या कुछ भी पनीर को साथ में लीजिए तब खाइए नमक वगैरह खाते नहीं पनीर को और चिली पनीर को साथ में लीजिए बहुत बढ़िया बाजार का लग रहा होगा बिल्कुल ये अम्मात को बुलाते हैं अभी सही है बजे